أَلَمْ يأنن الذين آمَنُوا وتخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون निफ़ाक क्या है कि आपके रूह और बदन के बुरे ताल्लुक का नाम है रूह कुछ और मांगती है और आप उसको कुछ और खिलाते हैं या ऐसी कि लड़की को मिर्चें खाने की आदत थी और शोहर कहता है नहीं तुम फीका खाओ या वो फीका खाती थी और ये कहते हैं मिर्चें खाओ झगड़ा लड़ाई हर वक्त का रोना हर वक्त घर में झगड़ा पड़ा हुआ दिल नहीं मिला जेन नहीं मिले सोच नहीं मिली खानदान नहीं था बिरादरी नहीं थी गैरों में भेज दिया बच्ची को जो सोचना है वो सोच लीजिए इन सब का नाम निफाक है मेरी नज़र में इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं कहती आप इसको किसी डिक्शनरी में जाके ना देखें डिक्शनरी के अभी बताऊँगी आगे सिर्फ इसकी रूह को लीजिए कि आपका मेरा इस वक्त जो असल मसला क्या है कि हम अपनी रूह और अपने जिसम में कोऑर्डिनेशन नहीं कर पा रहे निफाक क्या होता है अल्लाह और रसूल की खातिर कुर्बानियां देने से रोकता इसकी मौजूदगी में ईमान कीमती नहीं रहता दुनिया का छोटा सा फ़ायदा बहुत बड़ा लगता है और छोटा सा नुकसान पहाड़ की तरह लगता है यानी छोटा फ़ायदा बड़ा लगता है और बड़ा सा नुकसान छोटा लगता है आप मिरर के आगे खड़े हो ना तो जूम इन जूम आउट कर लीजिए मुनाफिक का जूम आउट हो चुका होता है यानी दुनिया छोटी आखर दुनिया बड़ी आखरत छोटी गुना छोटा जवाब मुश्किल नेकी मुश्किल मुनाफिक को नेमते हक लगने लगती हैं नेमते हक लगने लगती हैं अपनी मर्जी अल्लाह की मर्जी से अहम लगने लगती असरात है।, है निफाक के और निफाक के जो आपका सुकून छीन लेता है बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है बात बे बात दीन पर कॉम्प्रोमाइज करने लग जाता है बंदा वो कहता है नहीं मैं क्या करूं मुझसे नहीं होता मैं क्या करूं और ये बजाहर सजदे में झुकता है दिल नहीं झुकता साहबा कराम के दिल पहले झुकते थे जिस समर जुबान बात में झुकती थी इनकी जुबान कलमा बात में पढ़ती थी दिल और दिमाग पहले कलमा पढ़ लेता था और इसीलिए फिर साहबा उम्मीद और खौफ का नमूना थे अशदब्ला के अमलिन सूरत थे वो वो कुरान से पढ़ते ही नहीं थे कुरान उनके दिलों पर असरात रखता था और याद रखिए कि निफाक क्या है कि अधूरी इतात को पूरी इतात में डालना आप इस्लाम पे अमल करें लेकिन शर्मिंदा ना हो वी आर एम्बेरिस्ड मुस्लिम नहीं वी आर प्राउड टू बी मुस्लिम